नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग। आज का विषय है पैर के तलवों में जलन, पैर के तलवे में झंझनाहट होना, पैर के तलवे में दर्द होना। तो इसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा। पहला है थेरेपी, दूसरा उपाय बताएंगे मालिश, और तीसरा उपाय बताएंगे दो एक्सरसाइज। ये चार प्रकार से मैं आपको इलाज बताऊँगा। इनसे हम अपने पैरों के जो तलवे हैं, इनमें जो जलन रहती है, इसमें दर्द रहता है, इनमें झंझनाहट रहता है, कई तो कहते हैं कि कील चुभती है पैरों में ऐसे, तो उसके लिए मैं आप उपाय बताऊंगा। तो पहला उपाय आपको मैं बता रहा हूँ, पानी की थेरेपी, ठंडा पानी और गर्म पानी, इससे हम थेरेपी कर सकते हैं। इनसे हम जैसे एडी में दर्द भी होगा वो भी ठीक हो जाएगा, तलवे में दर्द होगा वो भी ठीक हो जाएगा, पैरों में जलन रहती है, झुंझुनाहट रहती है, उसके लिए ये थेरेपी है। उसके बाद मालिश बताऊँगा और उसके बाद मैं आपको दो एक्सरसाइज बताऊँगा जिससे आपके जो ये समस्या है वो दूर होगी। हमें क्या करना है, तो हमें छोटे छोटे टब लेना है, एक में ठंडा पानी, एक में गर्म पानी। इसके बाद गर्म पानी इतना जो हम सहन कर सके, और ठंडा पानी कुछ ठंडा है, ताज़ा नहीं लेना, ठंडा लेना है उसको, थोड़ा ठंडा कर लेंगे, चाहे तो फ्रिज का पानी इसमें मिला लेंगे, कुछ ठंडा हो जाए। उसके बाद क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों को पहले हम गर्म पानी में डालेंगे। ये गर्म पानी है, ये ठंडा पानी है, ये ध्यान देना कि एक गर्म पानी एक ठंडा पानी। दोनों पैरों को अपने तलवे डूब जाए, पैर अपने डूब जाए, पहले गर्म पानी में, ये नोटिस में ले ले बात, पहले गर्म पानी में 3 मिनट तक ऐसे डाल के बैठे रहेंगे। गर्म पानी में 3 मिनट डालने के बाद, अभी 3 मिनट नहीं हुई है फिर, आपको मैं समझा रहा हूँ, आपको ये 3 मिनट ही डालना है, 2.5 से 3 मिनट, ठीक है। 3 मिनट डालने के बाद दोनों पैरों को निकाल के फिर दोनों पैरों को इस ठंडे पानी में देना है। ठंडे पानी में आपको सिर्फ 1 मिनट रखना है। 1 मिनट के बाद फिर आपको गर्म पानी में डालना है ऐसे, और गर्म पानी में ध्यान रहे 3 मिनट का नाम लिया है मैंने, 2.5 से 3 मिनट, पूरा 3 मिनट करो तो अच्छा है ऐसे। इस प्रक्रिया को हमें 5 बार करना है। अभी मैं 2 बार करके दिखा रहा हूँ आपको। इस प्रक्रिया को कम से कम 3 बार या आपको 5 बार करना है। 5 बार कर ले तो ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, अच्छा आराम मिलेगा आपको। ध्यान रहे ठंडे पानी में 1 मिनट और गर्म पानी में आपको 3 मिनट। ये देखो मैं 3 बार करके दिखा दिया आपको ऐसे। पानी इतना ले लो कि अपना टकना भी डूब जाए उस पानी में आराम से। इसके सारे फायदे हैं, पैरों में जलन है, झुंझुनाहट है, पैरों में सुई चुभती है तलवे में, या एडी का दर्द, ऐसे एडी का दर्द भी निकल जाएगा। मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था, करके नहीं बताया था, आज मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ऐसे। 3 मिनट गर्म पानी में और 1 मिनट ठंडे पानी में, ये पानी की थेरेपी हो गई जो आपकी बीमारी को दूर करेगी। अगली जो इलाज है, जो इसका जो नुस्खा है वो बताऊँगा आपको मैं मालिश करने से। आइए अब मालिश की ओर चलते हैं साथियों। अब हम करेंगे तलवे की मसाज, तेल से मालिश करेंगे। ये आपको लेना है नारियल का तेल, कोई भी तेल हो नारियल का लेना, शुद्ध मिल जाए तो अच्छी बात है। रात को सोने से पहले आप ये करके सोएंगे, अच्छे से रगड़ रगड़ के तलवे की मालिश करना है। तलवे में जलन, तलवे में झंझनाहट, तलवे में काटे चुभना, कील चुभना, ऐसे पता नहीं क्या क्या बोल के आप मेरे को बताते हैं कि वास्तव में है भी ये बीमारी। आप अच्छे से दोनों पैरों की अच्छे से मालिश कर लेंगे 4 से 5 मिनट तक रगड़ रगड़ के, ये एक प्रकार की थेरेपी भी है। 4 से 5 मिनट ये करना है, अधिक दर्द हो तो ज्यादा कर लेना ये, और रात को ये मालिश करके सोए। ध्यान रहे नारियल का तेल ले, सरसों का तेल ना ले, अच्छे से उंगलियों की भी ऐसे मालिश करें, कईयों की उंगलियों की दर्द रहता है, यहाँ भी दर्द रहता है तो आप यहाँ भी मालिश कर लीजिए, पैरों को ऐसे रख के यहाँ भी मालिश कर लीजिए ऐसे ऐसे। 4 से 5 मिनट हमें डेली करनी करनी है, ये दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए। जिनको एडी में दर्द है, पैरों में जलन है, झुंझुनाहट है, पैर के तलवों में, ये कर लीजिए। मेन तो है पैरों में जलन झुंझुनाहट, उसके लिए है ये। एडी का दर्द तो अपने आप निकल जाएगा जब हमें पानी की थेरेपी करेंगे और ये मालिश करेंगे, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ दो आसन, दो आसन आपको कौन कौन से करने हैं। आप सीधे बैठ के
आप दिन में भी कर सकते हैं, अपने जो उंगलियां हैं पैरों की उसको ऐसे मोड़ेंगे सीधा करेंगे, मोड़ेंगे सीधा करेंगे, मोड़ेंगे सीधा करेंगे, ये आपको दिन भर में करना है। और एक और बता रहा हूं मैं, पैर को सीधा किया और ऐसे पकड़ के पंजों को आगे की ओर, पीछे की ओर नहीं खींचेंगे, सिर्फ आगे की ओर दबाएंगे, ढीला छोड़ देंगे, फिर दबाएंगे अच्छे से, फिर ढीला छोड़ देंगे, फिर दबाएंगे, फिर ढीला छोड़ देंगे, इसी प्रकार इससे ये आगे की ओर खींचना है पंजों को, जितना आगे की ओर खींचा जाए ऐसे खींचना है ये। ये प्रक्रिया हो गई, दो आपको मैंने एक्सरसाइज बता दी और तेल की मालिश करनी बता दी आपको, और शुरुआत में जो मैंने बताया था थेरेपी, पानी से थेरेपी, ठंडा और गर्म पानी से आपको थेरेपी करनी है। फायदा क्या मिलेगा आपको, मैंने कहा ना कि पैरों के तलवों में जलन, झुंझुनाहट, सुई चुभना, कांटे चुभना ऐसी महसूस होता है, और कईयों के तो हैवी दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि सहन नहीं होता। तो आप ये अगर करेंगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा, बहुत लोगों के करके देखा है मैंने, इसका लाभ मिला है, तो आप भी करके देखिए। जो मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, उस कमेंट में से बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि एडी में दर्द रहता है, तलवे में जलन रहती है, झुंझुनाहट रहता है, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। आगे और जो वेटिंग में है वीडियो बनाने, मेरे जो कमेंट है बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं कि गुरु जी इस पर वीडियो बनाइए, बहुत सारे अभी वीडियो बनाने बाकी हैं, तो आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। एक से एक जो तजुर्बा है, जो नुस्खे हैं, मैं आपको बताऊंगा, पहले भी मैं आपको बताया है, कुछ मौखिक रूप से कुछ मैं करके दिखाना, इस प्रकार से मैं आपके जो रोग हैं उनको दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, और जो नए हैं, जो नए भाई बहन हैं मेरे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे नुस्खे, ऐसी थेरेपी, ऐसी मसाज आप देख सके और अपने रोगों को दूर भगा सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।